नमस्कार दर्शकों, ओम साई राम। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष वास्तु रत्न के इस सुपर हिट कार्यक्रम में। मैं हूं ज्योतिष आचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ रजत शर्मा। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा हमारे बहुचर्चित कार्यक्रम रजत शर्मा लाइव में, जिसका सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। दर्शकों, आज जो है ना, मैं आप सभी के समक्ष चर्चा करूंगा कि अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है, अगर चंद्रमा का शनि के साथ संबंध बनता है, तो किस प्रकार से D6 चार्ट में इन दोनों ग्रहों का युति संबंध होना व्यक्ति को डिप्रेशन की स्थितियों में ले आता है। डिप्रेशन क्यों होता है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार का नुकसान होता है, और चंद्रमा के कारण किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ा, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। षष्ठ्यांश कुंडली में बार बार कहता हूं दर्शकों कि लगन कुंडली के साथ साथ आपको सब डिविजनल चार्ट देखने बहुत जरूरी होते हैं। षष्ठ्यांश, जिसको मैं D6 चार्ट कहता हूं, जब कभी भी कुंडली में किसी का स्वास्थ्य देखना होता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग D6 चार्ट को देखें। जब कभी भी हम करियर के लिए किसी की कुंडली देखते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि हम D10 चार्ट यानी कि दशमांश को देखें, D9 चार्ट यानी कि नवांश को, शादी के लिए जो है हम लोग D9 चार्ट को देखते हैं। तो दर्शकों, जब तक हम इस प्रकार से जो है गहराई से जो है जब तक हम कुंडली को नहीं आंकलन करते हैं, तब तक जो है हमें सही एक्यूरेसी से उत्तर प्रदान या प्रेडिक्शन प्रदान नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। और आज मैं इस मंच के माध्यम से ये मैं कहना चाहूंगा कि किस प्रकार से चंद्रमा की स्थिति अगर आपके षष्ठांश में कमजोर होती है तो व्यक्ति के जीवन में डिप्रेशन की स्थितियां उत्पन्न करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपका कोई भी सवाल है, कॉल कीजिए हमारे इस लाइव शो में और प्राप्त कीजिए सभी समस्याओं का समाधान, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो दर्शकों, आज हमारी यही चर्चा है, और मैं बार बार कहता हूं कि चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है। चंद्रमा मन है और शरीर जो है वो सूर्य है, और कहने का तात्पर्य क्या है कि जब मन अशांत होता है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर प्रकार से किसी ना किसी कारण से डिप्रेशन की स्थितियों में चले जाते हैं। आजकल के बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपने ये देखा होगा कि कहीं ना कहीं किसी से प्यार हो गया, किसी से प्रेम हो गया, तो उसने धोखा दे दिया तो बच्चा डिप्रेशन में चला गया। बहुत सारे हमारे पास तो ऐसे इस प्रकार के केसेस बहुत सारे आते हैं, और मैं खुद उनकी मदद करता हूं और उनको इस प्रकार की समस्याओं से उभारता हूं। कारण कोई भी हो, व्यापार नहीं चल रहा तो आप डिप्रेशन में जाते जा रहे हो, पति पत्नी में नहीं बन पा रही है तो आप डिप्रेशन में जाते जा रहे हो, कोई ऐसी गंभीर जानलेवा बीमारी आपको होगी तो आप डिप्रेशन में जाते जा रहे हो। कारण कोई भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है दर्शकों, डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि आपका चंद्रमा आपके D6 में कमजोर है। अगर D6 चार्ट में चंद्रमा का संबंध छठे भाव के स्वामी के साथ 12वें भाव में, चंद्रमा का संबंध 8वें भाव के स्वामी के साथ 6ठे भाव में हो जाता है, और चंद्रमा की दशा आपकी प्रारंभ हो जाती है महादशा में चंद्रमा आता है, तो डिप्रेशन हो जाता है, या फिर शनि के साथ संबंध बनाता है। इसके बारे में बात करेंगे हम, ध्यान से देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम। एक कॉल पहले लेंगे, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। हेलो हेलो, लगता है दर्शकों कॉल कट गया, लेकिन अब यही चर्चा हम लोग कर रहे थे। मैंने जैसा बताया कि चंद्रमा का संबंध शनि देव के साथ होना, चंद्रमा और शनि ये दोनों जो है आपस में अगर एक साथ विराजमान हो जाते हैं आपके D6 चार्ट में 8वें भाव में, तो ये डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जो महादशा होती है वो सुप्रीम पावर होती है, महादशा से ऊपर कुछ नहीं होता, और अगर महादशा की स्थिति हर प्रकार से कमजोर होती है तो जीवन में हर प्रकार की निराशाएं उत्पन्न होती है। महादशा इज अ सुप्रीम पावर। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है, ध्यान से सुन लीजिए 2 मिनट, अगर चंद्रमा की महादशा चल रही है और महादशा का स्वामी आपके षष्ठ्यांश कुंडली के अंदर 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव के अंदर विराजमान है, और चंद्रमा का संबंध शनि के साथ कहीं ना कहीं बना हुआ है, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये आपको इतना ज्यादा मेजर डिप्रेशन दे सकता है उस दशा में कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनेगा। एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, कुछ साल पहले जो है एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक हीरो हुआ करते थे रवि किरण नाम के। रवि किरण नाम के आपने कर्ज पिक्चर देखी होगी, जिसके अंदर रवि किरण नाम के जो है ऋषि कपूर के साथ जो है हीरो थे। तो दर्शकों, वो इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा उन्होंने नाम कमाया। 2 मिनट सुनिएगा, बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। 80 के दशक में उन्होंने अपने इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर पदार्पण किया, और उन्होंने इतना जबरदस्त उन्होंने एंट्री करी कि उनका जो नाम था वो चारों दिशाओं में जो है उनकी पिक्चरें सुपरहिट हो गई। जब सूर्य देव की उनकी दशा थी तो सूर्य उनके चार्ट में D10 चार्ट में केंद्र भाव में बैठा हुआ था। जब मैं बार बार ये बात कहता
कि whenever the sun is situated in the D10 chart in 10th house, at that particular time when sun will come in the महादशा, it will give a very big rise to the particular person. तो उनके चार्ट में क्या था कि शुक्र भी बहुत ताकतवर था और सूर्य भी बहुत ज्यादा ताकतवर था. तो जब सूर्य की महादशा उनके जीवन में आई तो उस महादशा ने उनको हर प्रकार से नाम कमवाया, हर प्रकार से उन्नति दी, हर प्रकार से उनकी बड़ी से बड़ी पिक्चरें हिट होने लगी और बड़े बड़े बैनरों की पिक्चरें उनको मिलने लगी. मैं रवि किरण नाम के व्यक्ति की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जो कर्ज पिक्चर में थे. तो दर्शकों उसके बाद जो है जब उनकी सूर्य देव की महादशा समाप्त हो गई तो उनकी चंद्रमा की दशा आ गई. अरे उनका चंद्रमा दर्शकों इतना ज्यादा कमजोर था, उनका चंद्रमा इतना ज्यादा वीक था कि उनके D6 चार्ट के अंदर चंद्रमा जो था उनका आठवें भाव के अंदर था. तो चंद्रमा जब महादशा में आया तो उनको क्या हुआ कि किसी ना किसी कारण की वजह से उनको डिप्रेशन होने लग गया, वो बहुत ज्यादा एल्कोहलिक होने लग गए, बहुत ज्यादा जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जाने लग गए, अंधेरों में जो है गुम होकर के रह गए, उनकी पिक्चरें भी पिटने लग गई. तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि महादशा जो सूर्य देव की उनकी पहले थी तो उसने तो उनको राज करवा दिया, लेकिन जब महादशा में परिवर्तन हुआ, जब चंद्रदेव की महादशा आ गई तो उसने उनको अंधेरे की गर्त में झोंक दिया, अंधेरे में वो चले गए और कहीं ना कहीं डिप्रेशन की वजह से इतना ज्यादा जो है वो खराब हो गए, उनका जीवन खराब हो गया कि आज तक जो है उनका कुछ पता नहीं लगा. तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा है, if you are having a महादशा of the moon, then it will create a negative imbalance if the moon is situated in 8th house having relation with the Saturn. कहने का तात्पर्य क्या है कि जब कभी भी चंद्रमा आपके षष्ठांश कुंडली के अंदर शनि के साथ संबंध बना करके आठवें भाव के अंदर विराजमान होता है और चंद्रमा की महादशा आती है, बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा पैसे वाला व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है और अपना सब कुछ खो सकता है. ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं दर्शकों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं. एक कॉल लेते हैं दर्शकों, आगे बात करेंगे. हेलो हेलो जी नमस्कार, ओम साई राम बोलिए. ओम साई राम पंडित जी. जी बताइए जी. मेरा डेट ऑफ बर्थ हुआ 17/10/1972. 17/10/1972 जी. 72 जी. समय बोलिए. शाम को 6:05. जन्म स्थान बोलिए. कलकत्ता का जन्म. कलकत्ता. बोल कहां से रहे आप? ये अभी हम लुधियाना से हैं, कलकत्ते के रहने वाले हैं. कलकत्ता के रहने वाले हो लेकिन पंजाब के भाई हो गए हो, चलो बहुत अच्छी बात है. नहीं नहीं नहीं, पंजाब आए हुए हैं, अब माल खरीदने आए हुए हैं. मोटर माल खरीदने आए हो, चलो बहुत अच्छी बात है. लेकिन माल तो खरीदने आए हो लेकिन माल का फायदा नहीं हो रहा यहाँ पे. जी जी. मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं बताओ आप मुझे? हाँ जी. जो प्रॉफिट होना चाहिए, जिसके लिए आप इतनी दूर से आए हो, जो मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है शनि की दशा में, ये बताइए आप मुझे. जी हाँ, थोड़ा मोड़ा है, वैसा डिस्टर्ब चल रहा है. हाँ, ये थोड़ा बहुत ही बहुत ज्यादा ये नजर आता है और ये 31 मई 2013 के बाद से ज्यादा गिरावट मुझको नजर आती है. जी 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 जी. ये ठीक कह रहा हूँ कि नहीं बताइए? जी एकदम सही है. सही. एकदम सही है ना. अब देखो आपके चार्ट में क्या है कि देखो शनि की चल रही है महादशा. मैं बार बार कहता हूं, देखो आपके चार्ट में क्या है कि लग्न कुंडली में शनि बहुत बढ़िया बैठा है, ठीक है जी. लेकिन आपका जो D10 चार्ट है उसके अंदर शनि देव की स्थिति मजबूत नहीं है और आपके D6 में ही मजबूत नहीं है. तो यह दर्शाता है कि जो आप कमाई करते हो ना, जो धन आप कमाओगे उसका कुछ हिस्सा, ज्यादा ज्यादा हिस्सा रोगों में चला जाएगा या कहीं ऐसी जगह चला जाएगा जहां पर जो है आप सोचोगे कि यहां पर पैसा लगाने में फायदा, लेकिन बाद में कुछ उल्टा हो जाएगा. जी जी. ऐसा होता है, ये बताओ आप मुझे. जी हाँ, पैसा निकल जाता है. हाँ, और वो ऐसी जगह निकलता है, देखो अच्छी जगह निकले तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी जगह निकलता है बाद में पता लगता है ना, तो ये तो मैंने गलत कर दिया या गलत जगह फंस गया, तब तब दुख होता है बहुत ज्यादा. जी हाँ, पैसा निकल जाता है. हाँ, और एक बात मैं और कहूंगा आपको कि थोड़ा सा ना अपने डीलिंग पे थोड़ा ध्यान दिया करो. आप ना कभी कभी अनप्रोफेशनल हो जाते हो और इतना ज्यादा जो है भावुकता के अंदर अपना नुकसान मत किया करो. ये 22 फरवरी 2015 के बाद चंद्रमा की दशा आ रही है. मन बड़ा चंचल, काबू ना आए, विषय विकार में उलझता ही जाए. कहने का तात्पर्य क्या है कि कहीं पर भी किसी भी काम में मन नहीं लग रहा आपका फरवरी के बाद से. जी जी जी, एकदम सही बोल रहे हैं आप. एकदम सही बोला कि नहीं? हाँ जी जी. हाँ जी, तो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा है और यही मैं चर्चा कर रहा था, शनि की महादशा में शनि का अंतर और चंद्रमा का प्रत्यंतर. तो क्योंकि देखो एक बात मैं कहूंगा कि आप जो है ना थोड़ा दिल के मजबूत नहीं हो, दिल के थोड़े कमजोर हो आप और थोड़ा कमजोर. हाँ, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं अगर मान लो कोई समस्या दिखती है ना, छोटी समस्या दिखती है तो आप इतना बड़ा रूप ले लेते हो, नर्वस सिस्टम आपका डाउन हो जाता है, आगे क्या होगा, आगे अपना भैया आगे का सोच सोच के इतना मत परेशान हुआ करो कि अपने वर्तमान को तुम खराब कर रहे हो. जी जी. पंडित जी मुझे एक चीज पूछना है. पंडित जी बोलो. जिंदगी में हम क्या उन्नति कर पाएंगे? बहुत कष्ट से जिंदगी बिताए हैं, मैंने लाइफ में पड़ी. तो वो तो मैं बोल ही रहा हूँ ना, कष्ट जो मैंने सारी चर्चाएं करी है बिल्कुल सटीक करी, यही तो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हो जिसका मैं उत्तर दे चुका हूँ आपको. जी है ना. तो अब आपने पूछा कि मैं जिंदगी में उन्नति कर पाऊं, भाई जिंदगी में उन्नति तभी करोगे ना जब अपने वर्तमान को ठीक करोगे.
आप अपने वर्तमान को ठीक कर नहीं रहे हो, आप परेशान होते हो तो बिल्कुल जो अपना अपना नेचर को इतना नेगेटिव कर, खुश होना आपको आता नहीं है भैया, खुश रहा करो जी, है ना, खुश होना आपको आता नहीं है, तो वही चीज जो है आपके नेचर का जो आपका इफेक्ट, देखो जितना नेगेटिव होगे ना बिजनेस भी उतना नकारात्मक होगा, और जितना खुश रहोगे उतना ही ज्यादा जिंदगी में लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी तुम्हारे ऊपर जी, जी। और आपके साथ यही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है जी, हाँ कभी कभी नेगेटिव हो जाता हाँ, और इनसिक्योरिटी की भावना बंद कर दो अपने मन में, बिल्कुल इनसिक्योरिटी बहुत जल्दी आती है, दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है ये इससे मुझको परवाह नहीं होनी चाहिए जी जी, और आपके अंदर यही प्रॉब्लम है जी, हाँ दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा, कहीं वैसा तो नहीं सोच रहा, कहीं मैंने उसको कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी आने की वजह से आपका मस्तिष्क बिल्कुल हिल जाता है जी, हाँ जी जी, और उसके बाद क्या होता है कि इनसिक्योरिटी जो व्यक्ति ऐसा सोच भी नहीं रहा होगा ना वो सोचने लग जाएगा तुम्हारे बारे में जी, हम पंडित जी हम फोर व्हीलर वगैरह बना पाएंगे पंडित जी, ये जानना चाहता हूँ, ये जो गोल्डन टाइम जो शनि का चल रहा है अभी बढ़िया, ये बढ़िया चल रहा है मेरे हिसाब से तो घटिया चल रहा है, ठीक है हाँ है, कुछ ऐसा बात नहीं है जो आपको 2013 से तो कुछ हम उन्नति में है, ऐसा बात नहीं, नहीं देखो जो होनी चाहिए कॉम्बिनेशन में वो यहाँ पर देखो मुझे नजर नहीं आ रही, अगर हम क्लियरली बोले, बाकी देखो हो सकता है कि किसी और के भाग्य से तुम खा रहे हो, बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी जी, हाँ क्योंकि सैटर्न की स्थितियां मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही जी बिल्कुल भी, ये जो आपको मिल रहा है आप ये मत समझना कि शनि दे रहे हैं, ये हो सकता है किसी और के भाग्य से तुम खा रहे हो जी, हाँ ये समझ लेना मेरी बात को, और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगा कि थोड़ा सा तारीख नोट कीजिए मेरी आप, तो मेरा बढ़िया समय कब से आएगा पंडित जी, देखो आप बढ़िया समय की आप बात करते हो ना, बुध का समय आपका बहुत बेहतर है, ओ बुध का समय, हाँ बुध आपके चार्ट में सबसे मजबूत है जी, ओ जी ठीक है ना, और मरकरी की जो स्थितियां हैं वो जीवन में प्रगति देगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है जी, जब शनि के साथ बुध आएगा तब बढ़िया होगा, शनि में बुध आएगा तो तरक्की देगा, अभी का जो तरक्की है ना ये सिर्फ एक छलावा है जी मेरे हिसाब से, तो 16 में बुध आएगा मेरा, 16 मई के बाद जी जी, हाँ और उसके बाद की जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर और उन्नतिकारी रहेगी, ये हमें साफ साफ यहां नजर आ रहा है, शनि देवों की महादशा में बुध का अंतरा आपके लिए हर प्रकार से कल्याणकारी होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है जी, जी एकदम सही बोल रहे हैं आप, है ना, तो इस चीज का ध्यान रखो, और दूसरी बात यह है कि देखो सैटर्न का टाइम जो है ना वो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि देखो क्या होता है कि दशा का पता नहीं होता, अगर मान लो कुछ अच्छा कर लिया और अगर कुंडली के अंदर मुझे अच्छा नहीं दिख रहा तो एकदम से झटका मार सकती है जी, जी, जी। और झटका ऐसा मारेगी कि जहां पर जितना कमाए ना उसे दुगना देना पड़ जाएगा जी, जी, जी। क्योंकि देखो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, ये मेरा तजुर्बा रहा है 13 सालों का 14 सालों का, कि शनि जो होता है ना वो छलावा पैदा करता है इंसान के मन में, और वो इंसान को क्या करता है ओवर कॉन्फिडेंट कर देता है, और जब इंसान ओवर कॉन्फिडेंट होने लगता है ना तो अचानक से कोई ऐसा नुकसान कर देगा जो आप जितना आपने 5 सालों में कमाया होगा सारा उड़ जाएगा जी, जी, जी। तो इस चीज का मैं आपको आगाह कर रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको आगाह कर रहा हूं कि ये जो टाइम पीरियड है ये शनि की जो स्थिति है मुझे बेहतर नजर नहीं आती है, लेकिन अगर आप तरक्की कर रहे हो सकता है किसी और के भाग्य से कर रहे हो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा तुम्हारे चार्ट को देख के कहूंगा कि शनि की स्थिति मजबूत नहीं है, तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बड़ी स्थितियों में डाल दे शनि जिसकी वजह से एकदम से ऊपर से नीचे आ जाओ आप, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तो एक चीज का ध्यान रखना, शनि की दशा में लोन मत लेना पहले तो, लोन नहीं लेता हूं मैं, हाँ लोन कभी मत लेना, और कहीं ना कहीं पैसा देना भी मत, पैसा देना भी मत किसी को, नहीं देता भी नहीं, हाँ इस चीज का ध्यान रखना, दूसरी बात यहां पर यह कि आप एक डेट नोट कीजिए मेरी जी। एक खास तारीख मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, बहुत ध्यान से ये समय निकालिएगा, 28 जुलाई सन 2015 से लेकर के 8 जनवरी 2016 28 जुलाई 2015 से 8 जनवरी 2016 ठीक है, ये जो टाइम रहेगा ना ये विशेष रूप से मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है जी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, शनि में राहु है जी, हाँ, है ना, और आपका राहु का देखो कोई फल होता नहीं, मैं बार बार कहता हूं, व्हेनेवर जहां पर कभी भी राहु जो है किसी के साथ बैठता है उसके हिसाब से वो फल करता है, राहु देवता जो है हर प्रकार से जो है यहां पर मुझे मजबूत नजर नहीं आता, ठीक है जी, जी, जी। अब आपके चार्ट में किसके गुरु के साथ नवम में बैठा है, ठीक है, और एक बात और कहेंगे, D10 चार्ट में राहु का कमजोर होना ये शनि को और ज्यादा इंफेक्टेड कर सकता है, कहने का तात्पर्य क्या है कि आपके माध्यम से जितना आपने अभी शनि की दशा में कुछ बढ़ोतरी करने का प्रयास किया है वो सारा इस टाइम पे खत्म हो सकता है, अच्छा अच्छा हाँ ये आप लिखवा लीजिए, ये होगा, यहां बैठ के मैं बोल रहा हूं ये होगा,
अच्छा, हाँ कॉन्फिडेंट हूँ मैं बिल्कुल, तो इसलिए इसका बचाव करो, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत होना। शनि का कुछ पता नहीं होता भैया, एकदम से देके ले भी लेते हैं, और कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य क्या है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ तो शनि जो होते हैं वो इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वो दे करके लेने का शनि का नेचर है, शनि का नेचर है ये वाला, ये सुन लो, शनि का ही नेचर है कि अगर शनि चार्ट के अंदर मजबूत नहीं है और अगर अगर वो फल देना है तो कोई छलावा है यहाँ पे, और वो छलावा कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कि अंत प्रत्यय शनि राहु का इंतजार कर रहा हो आपके लिए, जैसी राहु आएगा एकदम से उड़ा देगा, ठीक है। तो इस टाइम का ध्यान रखो, और एक बार तीन बार ओम नमः शिवाय जोर से उच्चारित कीजिएगा, मैं उपाय बताऊंगा फिर आपको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो अगर मैं उपाय की बात कर रहा हूं तो खास उपाय आपको विशेष रूप से करने होंगे, और वो इस प्रकार है, एक ना तांबे का लोटा ले आओ, और तांबे के लोटे में क्या करना है आपको जल भर देना है जी, और एक कांसे का लोटा ले आओ जी, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर जो है ना पूरा लोटे के अंदर गेहूं भर देना है जी, और एक चांदी का सिक्का जिसके अंदर गणेश और लक्ष्मी बैठे हुए हो वो जो है उस लोटे के ऊपर, गेहूं वाले लोटे के ऊपर आपको विराजमान कर देना है जी। उसके बाद शुक्रवार की शाम को ये दोनों लोटे जो है आपको जो है रख करके, मैं एक मंत्र आपको बता रहा हूं, सिद्ध लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, सरस्वती, श्री लक्ष्मी, वर लक्ष्मी, प्रसन्ना मम सर्वदा, इस मंत्र का जो है ना आपको ध्यान करना है विशेष रूप से, ठीक है। हाँ, कोई रोग वगैरह नहीं तो होगा हमें, कोई मैंने भयंकर रोग तो नहीं लिखा हुआ है। देखो वो मैंने वही बताया ना कि ग्रह शनि देव का कोई भरोसा नहीं है इस चार्ट के अंदर, महादशा मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है जी, और अंतरदशा और महादशा में जो स्थितियां बनी हुई है शनि देव में क्या कि प्रत्यंतर में जब राहु आएगा तो किसी प्रकार का कोई बड़ा झटका लगेगा जिसकी वजह से आपके आपके द्वारा की गई 5 साल की मेहनत खराब होने वाली है जी, और ये मुझे विश्वास है, चाहे आप पर्सनली एक बार आकर के जो है उस दौरान मुझसे चर्चा कीजिएगा अगर ऐसा होगा तो, ठीक है, क्योंकि ऐसा होने वाला है मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ये उपाय आपको जो मैं बता रहा हूं ये ध्यान से कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। दोनों लोटे के ऊपर जो है आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है, और उसके बाद जो है ना जिसके अंदर जल होगा ना शनिवार की सुबह सूर्य भगवान को वो जल अर्पण कर देना। अच्छा, ठीक है। और जो जिसके अंदर जो कलश के अंदर जो गेहूं रखा है ना और उसके ऊपर जो चांदी का सिक्का रखा है वो जहां पर तुम काम करते हो उसके उस टेबल के आसपास ही उसको स्थापित कर देना है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके लिए वृद्धि होगी और उन्नति प्राप्ति के लिए पन्ना पहनो, पूरे विधि से बहुत अच्छी तरीके से एक पन्ना रत्न पहनो, आपके लिए हर प्रकार से कल्याणकारी रहेगा जी, ठीक है। नमस्कार। अब दर्शकों इस चार्ट की अगर मैं बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत जरूरी चार्ट है कि शनि देव इतने कमजोर होने के बाद भी क्यों क्यों इनको लाभ दे रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है, और ये बहुत रेयर केस होता है दर्शकों, इस प्रकार के जो केस है बहुत रेयर होते हैं। अब इस कुंडली के अंदर इनसिक्योरिटी की भावना क्या है, हाँ गुरु जी बिल्कुल आपने ठीक बोला, इनसिक्योरिटी की भावना मेरे अंदर रहती है, या मेरा जो धन है वो सही दिशा में, दर्शकों मैं ये कहता हूं कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा स्टेबल रखना, पैसे को सही दिशा में ले जाना, पैसे को सही दिशा में इन्वेस्ट करना, वो गलत दिशा में ना जाए, वो पैसा हमें रोग ना दे, वो पैसा हमें जो है हर प्रकार से नुकसान की स्थितियों में ना लेकर जाए, दर्शकों असली धन वो होता है। अब इस चार्ट के अंदर शनि पैसा तो दे रहे हैं लेकिन शनि ऐसा इनको फंसाने वाले हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनका कमाया हुआ सब कुछ जो है वो खत्म हो सकता है। तो अगर ये सतर्क हो जाएंगे, मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं किसी को डराना नहीं चाहता, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो चीज मुझे दिख रही है मैं सच्चाई के साथ रखता हूं, चाहे कोई भी उसको माने या ना माने, लेकिन मेरा यह फर्ज बनता है कि जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे सत्य दिख रहा है, मैं उसको सबके सबके सामने रखूं और उसको ठीक करने का प्रयास करवाऊं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई डेट बता रहा हूं वो कमजोर डेट है, उसका उपाय नहीं, उपाय हर चीज का है, सब कुछ किया जा सकता है, बहुत अच्छे उपाय है मेरे पास, लेकिन उसको सही तरीके से उसको अपनाइए, हर प्रकार से उसको उन्नति दीजिए। अब ये पन्ना रत्न पहनेंगे पूरे विधि विधान से, क्योंकि सैटर्न यहां पर दशा में कमजोर रहे, और दर्शकों ये मैंने बहुत रेयर देखा है, 500 कुंडलियों में एक बार ऐसा होता है, ये रेयर केस है, ये कुंडली रेयर है बहुत। और इस चार्ट के अंदर यही चीज है कि इस चार्ट में शनि देव अभी दे रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा स्थिति क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से ये बहुत बुरी तरह से फंस सकता है, राहु में जब प्रत्यंतर दशा राहु की आएगी तब यहां पर वो चीज क्रिएट हो सकती है। तो सतर्क रहिएगा, सिर्फ इस धन को आते हुए धन को देख करके ये मत सोचिएगा कि मेरा समय अच्छा है, ऐसा नहीं होता, ये चीज का ध्यान रखिएगा। बुध की दशा आएगी तो फायदा होगा ये मुझे विश्वास है, लेकिन इस टाइम को ध्यान से निकालिएगा, राहु का प्रत्यंतर दशा हर प्रकार से नुकसान की स्थितियां क्रिएट कर
सकता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी आपके साथ हमारा आशीर्वाद है, ओम साई राम। तो दर्शकों, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, पूरी कुंडली का विश्लेषण आप मेरे माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन नंबरों पर फोन कीजिए। ये नंबर जो है हमारे पर्सनल अपॉइंटमेंट का है। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, दिल्ली वाले एनसीआर वाले हमसे दिल्ली में आकर के मिल सकते हैं, पूरी कुंडली का विश्लेषण आप हासिल कर सकते हैं। देश के किसी कोने में आप रहते हैं और घर बैठे ही अगर टेलीफोन के माध्यम से आप पूरी कुंडली का विश्लेषण हासिल करना चाहते हैं, आप मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे या मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो घर बैठे ही टेलीफोन के माध्यम से भी आप पूरी कुंडली का विश्लेषण हासिल कर सकते हैं। इन नंबरों पे आपको फोन करना है, हमारे प्रतिनिधि आपको हमारा अकाउंट नंबर देंगे। जैसे ही आप कंसल्टेशन फीस जमा करते हैं, आपको पूरा समय दिया जाएगा, पूरा टाइम दिया जाएगा और मैं खुद आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। तो आपको इन नंबरों पर फोन करना है, हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ चर्चा करनी है और आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान हम लोग खुद करेंगे, टेलीफोन के माध्यम से करेंगे और आपको हर प्रकार से उन्नति की का मार्ग दिखाएंगे। क्योंकि दर्शकों, सबसे बड़ी बात है कि मैंने ना तो तर्कहीन बात कभी करी है, लॉजिक के साथ मेरी हर बात होती है और हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है और वो लॉजिक जो है हर प्रकार से आपकी मदद करेगा। और यही चीज जो है मैं कहना चाहूंगा। और चंडीगढ़ वासियों के लिए खुशखबरी, दर्शकों 20 तारीख को मैं चंडीगढ़ आ रहा हूं, तो चंडीगढ़ वाले जो भी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं चंडीगढ़ में मुझसे मिलना चाहते हैं, जी हां, चंडीगढ़ में दर्शकों मैं आ रहा हूं, पंजाब के भाई जो चंडीगढ़ में मुझसे मिलना चाहते हैं, तो 20 तारीख को मैं चंडीगढ़ में उपस्थित रहूंगा। तो चंडीगढ़ वाले जो भी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं चंडीगढ़ में हमसे मिलना चाहते हैं, वो इन नंबरों पे फोन करके चंडीगढ़ के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और मई की जो डेट है वो भी बहुत जल्दी आने वाली है, वो हम आपको बता देंगे। तो दर्शकों, आगे यही चर्चा मैंने चंद्रमा के बारे में आपको बताया, बहुत अच्छी चर्चा आज हमारी चल रही है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है, मन अशांत करने वाला ग्रह माना जाता है, डिप्रेशन देने वाला, इनसिक्योरिटी देने वाला और हर प्रकार से मानसिक अशांति देने वाला चंद्रमा जो है विशेष रूप से प्लेनेट माना जाता है। आपने ये बहुत सारे बाजार देखा होगा कि जब कभी किसी को डिप्रेशन होता है उसको किसी से मिलने का मन नहीं करता, हमेशा चिड़चिड़ा स्वभाव आपका बन जाता है, हमेशा मन में अशांति बनी रहती है, हमेशा आकार विकार उत्पन्न रहते हैं कि आगे की स्थितियों को सोच सोच के हमेशा एक मन में डर बना रहता है। अगर इस प्रकार की स्थिति आपके साथ हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा कमजोर हो रहा है। अगर आपका चंद्रमा महादशा के अंदर आया हुआ है, अगर महादशा में चल रहा है और चंद्रमा की स्थिति D6 में कमजोर है तो दूसरी बीमारी हड्डियों की बीमारी भी दे सकता है। बहुत सारे ऐसी हमारी माता बहनें हैं जिनको 40 साल की उम्र के बाद ज्यादातर आजकल माता बहनों को जो है हड्डियों की बीमारी हो जाती है। और कहीं ना कहीं अगर आपको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है और आपकी उम्र 35 साल के आसपास है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा अगर आ गई, 35 साल की उम्र में चंद्रमा अगर आ गया तो आपको हड्डियों की बीमारी दे सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट लिखने वाली बात है, ये लिख लीजिए मेरी बात को, कि अगर आपकी 35 साल की उम्र है और 35 साल की उम्र में आपकी चंद्रमा की महादशा आती है तो वो महादशा अगर D6 में 6-8-12 में चंद्रमा है तो वो आपको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द दे सकती है, इसकी जो है स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम जितनी होती है वो सारी समस्याएं चंद्रमा के कारण होती है। और खासकर मैं एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगा कि जो हमारी जो माता बहनें होती है जिनको जो है संतान होने वाली है, जो संतान होने वाली जिनको है अभी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके चार्ट में भी अगर चंद्रमा की दशा चल रही है तो आजकल दर्शकों आपने देखा होगा ना ये जो बेचारे जो जितने बच्चे पैदा होते ही मंद बुद्धि हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जो है हमने ये चीज देखी, हमने ये चीज परखी है कि वो चंद्रमा के कारण होता है। अगर किसी माता की कुंडली में किसी ऐसी महिला की कुंडली जिसको बच्चा होने वाला है और 9 महीने के दौरान अगर चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, ये योग लिखने वाला ये लिख लीजिए कि अगर चंद्रमा का संबंध जो है राहु के साथ है, इफ द मून इज हैविंग रिलेशन विद राहु एंड केतु, अगर चंद्रमा या तो संबंध राहु के साथ हो या केतु के साथ हो, तो ऐसी स्थिति में अगर D6 में चंद्रमा का संबंध राहु या केतु के साथ 6ठे भाव के अंदर या 8वें में या 12वें में होता है और चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतरा आता है और उस दौरान आता है जिस समय प्रेगनेंसी चल रही है, जिस समय 9 महीने का वो टाइम चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे के ऊपर एबनॉर्मल का इफेक्ट आ सकता है, यानी कि मानसिक रूप से बच्चा मंदमति हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। और जितने भी जो बच्चे बेचारे पैदा होते जो मंदमति होते हैं या फिर पैदा होते ही कोई ऐसा विकार उनके अंदर होता है तो उसका कारण चंद्रमा होता है। और हमने ये चीज देखी, मेरा ये रिसर्च रहा है दर्शकों, जो ये मैं आपको बातें बता रहा हूं ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये इतनी ज्यादा डीप स्टडी है, इतनी ज्यादा डीप रिसर्च है कि ये जो है सिर्फ रिसर्च से हो सकती है, किताबों में कहीं यह नहीं आपने पढ़ी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि चंद्रमा अगर राहु के साथ अगर विराजमान होता है D6 में 6ठे भाव के अंदर और चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतरा ऐसे समय में आता है जिस समय संतान होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का खास ध्यान रखने की जरूरत है, मां का खास ध्यान रखने की जरूरत है, जच्चा और बच्चा दोनों का ध्यान रखने की जरूरत है ताकि किसी प्रकार का कोई विकार बच्चे में ना हो। क्योंकि दर्शकों अगर इस प्रकार का विकार कोई बच्चे में आ जाता है तो माता पिता की जिंदगी जिंदगी भर के लिए जो है खत्म सी हो जाती है।
कहने का तत्पर्य क्या है कि बच्चा अगर स्वस्थ ना हो पैदा तो कहीं ना कहीं माता पिता उसको जीवन भर जो है उसको भोगना पड़ता है और जीवन भर जो है कष्ट उठा करके उसको उसको चलाना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दर्शकों, ये बहुत संवेदनशील बात है, तो ये दर्शकों आपको समझनी पड़ेगी जो हम आपको बता रहे हैं आप, क्योंकि देखो दर्शकों ज्योतिष शास्त्र आपको बहुत ज्यादा आपका मार्गदर्शन कर सकता है। हो सकता है कि मेरी एक एडवाइस आपके जीवन में बदलाव ला दे, हो सकता है कि मेरी एक एडवाइस जो है आपके जीवन में परिवर्तन की स्थितियां ले आए, क्योंकि दर्शकों मैं जिसको सलाह दूंगा मैं बहुत दिल से दूंगा और हर प्रकार से जो है मैं ये प्रार्थना करता हूं और मैं प्रभु से गुजारिश करता हूं कि जो भी मेरा ये कार्यक्रम देख रहे हैं प्रभु उनको हर प्रकार से जो है सहायता दे, हर प्रकार से जो है मेरे माध्यम से अगर किसी का भला हो सके तो इससे खुशी की बात दर्शकों और नहीं है, तो मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र एक साइंटिफिक विषय है और ज्योतिष कोई आडंबर नहीं है, कोई जादू नहीं है, ज्योतिष शास्त्र एक रिसर्च का विषय होता है और जो व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार से परिवर्तन ला सकता है। तो ये जो आज मैंने जानकारी आपको दिया ये बहुत ज्यादा जो है गूढ़ रहस्य मैंने आपको आज बताया, कल भी मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगा, कल का भी कार्यक्रम आप देखेगा विवाह के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज जो है अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं पूरी कुंडली का विश्लेषण आप मेरे माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो भाई दिल्ली वाले एनसीआर वाले हमसे दिल्ली में आकर के मिल सकते हैं, पूरी कुंडली का विश्लेषण आप हासिल कर सकते हैं। देश के किसी कोने में आप रहते हैं, चाहे आप तमिलनाडु में रहते हैं, चेन्नई में, बेंगलोर में, दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में, कहीं पर भी आप रहते हैं और घर बैठे ही टेलीफोन के माध्यम से आप पूरी कुंडली का विश्लेषण हासिल कर सकते हैं। आप मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो घर बैठे ही टेलीफोन के माध्यम से भी आप पूरी कुंडली का विश्लेषण हासिल कर सकते हैं। इन नंबर पर आप कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि आपको हमारा अकाउंट नंबर देंगे, जैसे ही आप कंसल्टेशन फीस जमा करते हैं आपको पूरा समय दिया जाएगा, पूरा टाइम दिया जाएगा और मैं खुद आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करूंगा। इन नंबरों पर आप कॉल कीजिए, पर्सनल टेलीफोनिक कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आमने सामने बैठ के बातें होती है, टेलीफोन पर भी हम लोग पूरी चर्चा जो है सटीकता से कर सकते हैं। और साथ ही साथ दर्शकों चंडीगढ़ में अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं 20 तारीख को मैं चंडीगढ़ आ रहा हूं, आई विल बी देयर इन चंडीगढ़ ऑन 28 अप्रैल 2015, तो चंडीगढ़ वाले जो भी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं मुझसे